आपका स्वागत है। बेगूसराय के मंसूर चक में AISF छात्र संगठन मंसूर चक अंचल द्वारा प्लस टू परियोजना SBD बालिका उच्च विद्यालय दशरथपुर का किया गया औचक निरीक्षण। AISF मंसूर चक अंचल सचिव मनीष कुमार के नेतृत्व में AISF के दर्जनों छात्रों ने विद्यालय की समस्या से अवगत होने पर पता चला कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत ही कम थी। एडमिशन बच्चों का लगभग 700 से आसपास है विद्यालय में, लेकिन प्रेजेंटेशन बच्चों का वही लगभग 100 के आसपास में थी। जब वहां विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात किया गया तो उन्होंने यह बताया कि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, वर्तमान समय में रोजा का चल रहा है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ अनुपस्थित हो रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आकर टिफिन में छुट्टी लेकर भी चले जाते हैं। उसके लिए बच्चों की उपस्थिति कम देखकर AISF के तमाम छात्रों ने नाराजगी जाहिर की, और साथ ही वहाँ के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार जी को AISF छात्र संगठन की अंचल मंत्री मनीष कुमार ने खड़े शब्दों में कहा कि आप अपने विद्यालय की सिस्टम में सुधार करें, नहीं तो संगठन बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा तथा समय पर सभी शिक्षक आना सुनिश्चित करें और समय पर बच्चों को आने के लिए भी प्रेरित करें। समय से वर्ग प्रारंभ हो, प्रत्येक घंटी के समय प्रत्येक शिक्षक उपस्थित होकर अपना वर्ग निर्धारित समय पर शुरू करें ताकि बच्चे विद्यालय आ सके। वहीं मौके पर मौजूद हरि कुमार चांदसी पासवान, आनंद मोहन कुमार, राजमंसी कुमार, रघुनंदन कुमार, पिंटू कुमार, कुंदन कुमार, जफर इमाम सहित दर्जन छात्र नेता उपस्थित थे। मंसूर चक से अमित कुमार की खास रिपोर्ट। कोचिंग की तरफ लड़ाई होते हैं, कोचिंग की तरफ भाग जाते हैं। नहीं सर, बच्चा शिकायत करता है। एक मिनट सर, मेरा सुन लीजिए। अगर वह जा रहा है बच्चा अगर कोचिंग, इसका कहीं ना कहीं कमी है हमारे यहाँ, तब तो बच्चा जा रहा है। एक बार आप सुन लीजिए। जी सर, ट्यूशन पढ़ाते होंगे। जी बोलिए। तो जब फ्री में सेवा दीजिएगा ना सर, हम लोग भी जब बाहर से पढ़ गए सोचे गाँव वाले फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। फ्री में 10 बच्चा आया, उसके बाद एक बच्चा आता है, 9 अपने आप चला गया। जहाँ पैसा देख पढ़ने के बाद होता है तो वहाँ छुट्टी भी नहीं लगा, चला जाए, गार्जियन भी चले जाओ, ट्यूशन पैसा लगता है, यहाँ तो लगता नहीं है। पहली चीज देखिए, केवल एक पक्षीय कहिएगा कि स्कूल की गलती है, स्कूल की गलती नहीं थी, भी हो सकती थी ना, नहीं तो बच्चे क्यों रहते हैं अटेंथ में, क्यों भाग देते, वही टीचर है पढ़ाने वाले, वही टीचर नाइन्थ में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर टेंथ में पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे नहीं आएंगे तो हम सब घर घर जाकर बुलाना संभव है सर जी? हमारे पास 400 आदमी है, गार्जियन के पास एक बच्चा है, वो भेज नहीं पा रहे हैं हमारे स्कूल में, हम 400 घर पे जाके सब बुलाना संभव है? आप बताएं। हम तो सर इतना कह रहे हैं आपसे, संभव नहीं है, डोर टू डोर नहीं जा सकते हैं, तो एक माहौल तो ऐसा कर सकते हैं ताकि बच्चा आ जाए। करते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग बनाने का सप्ताह में 15 दिन में हमेशा बच्चा कहते हैं पेरेंट्स को बुलाइए, एक दिन मीटिंग रहे, चेतना सत्र में भी चेतना सत्र में बोलते हैं। अब बच्चा ने घर पे या तो बोलता नहीं होगा, या बच्चा बोलता है तो गार्जियन नहीं दिया। आप समझिए, प्राइवेट विद्यालय में सर अगर पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है 9 बजे, तो पेरेंट्स 8 बजे बैठे रहते हैं और हम बुलाएंगे 9 बजे, 12 बजे भी तक इंतजार करेंगे, पेरेंट्स पहुंच चुके हैं। सर एक मिनट, अगर ऐसा है बच्चा नहीं आता तो सर हम तो ये कर सकते हैं, आप एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें उसका फॉर्म भरने में मना कीजिए, अगर वो गार्जियन कुछ करते तो हम लोग आपके साथ हैं ना, हम साथ में हैं। इसका ही बता, जब तक नियम था ना कि 75% से कम उपस्थिति नहीं देते, सरकार ऊपर कहता है कि लेटर आ जाता है कोई बच्चा आया नहीं, सबको फॉर्म भरे, हम रोक सकते हैं, प्राइवेट स्कूल लगता है, अनुशासन के लिए तो कुछ तो कर सकते हैं, अनुशासन बिल्कुल, अगर छोड़ देंगे तो नहीं आएगा ना, जनरली जो अभी चल रहा है जितना बन पाता है करते ही ना, धमकाएंगे उसको भी बोलेंगे नहीं, धमकाने की बात बोले ना कि धमकाएं, हम शुरू की अपनी ही बात पर्सनल अपना शेयर करता हूँ। शुरू में जब आयो टाइट हुए कोई बच्चा नहीं करता था उसको मारे भी, गार्जियन चले आए कि मारने वाले कौन होते हैं, तो भाई अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी है तो यहाँ करके बच्चा निकल जाता है, निकलने के बाद बच्चा अपना कोचिंग में फ्री हो जाता है और कोचिंग में ही समय व्यतीत कर देता है। अभी भी हम मतलब देखे लंच आवर के बाद हम गए तो उपस्थिति कम थी हम क्लास लिए, जबकि मास्टर को 50 कम रहता है। मान लीजिए अभी भी देखे क्लास को हम तैयार कर रहे थे और मेरा क्लास था, बच्चा बोलने के लिए आया, हम बच्चा को कह दिए कि देखो अगर तुमको कुछ करना है, मम्मी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, इसलिए लाख रूटीन हम बना दिए। मान लीजिए शिक्षक नहीं आते हैं तो हम गारंटी इस बात का लेता हूँ कि टीचर तुमको नहीं डांटे, आप आइए क्लास खाली है तो आप रूटीन दें, सब क्लास में उपलब्ध करवा दिए हैं, यहाँ भी है, क्या कि रूटीन तुम देख लो किस टीचर का क्लास है, उसके बाद एक टीचर नियुक्त किए हुए हैं कि अरेंजमेंट क्लास, कि ठीक है आज हमारे 4 टीचर सीएल पर हैं तो आप उनका अरेंजमेंट क्लास बना दीजिए, कि टीचर अगर नहीं है तो उनकी जगह पर हिंट दिए हुए हैं कि कंसर्निंग टीचर का, अगर साइंस का क्लास है तो साइंस के टीचर को ही आप उसमें इंक्लूड कीजिए, आर्ट्स टीचर हैं तो आर्ट्स में इंक्लूड कीजिए।
ट्यूशन से अरेंजमेंट क्लास हम बनवा देते हैं, कहीं असुविधा नहीं होगी। अब देखिए थोड़ा मैंने घंटी रियलाइज करते हैं कि 10-20 मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि ट्यून है नहीं, बच्चे को बजाना पड़ता है। या मान लीजिए देखिए हम ट्यून यहाँ रखे हुए हैं, हम यहाँ से देखते रहते हैं, 7 से 7:45 क्लास हुआ तो 7:45 पर कटा गया। देखिए यही रूटीन मैंने आपका है, रूटीन हम देखते रहते हैं, और रूटीन के बाद 7:45 के बाद 7:45 में हम क्लास छोड़ देते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। 7:46 में हम बच्चे को भी नहीं बुलाते हैं, हम खुद घंटी मारते हैं 7:46 और फिर आकर करके दूसरे टीचर को कहते हैं कि सर आपका नेक्स्ट क्लास है, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड देख लीजिए, ये पीरियड है, और ये हम लंच थोड़ा दिए हुए हैं 10:30 का, 9:10 से 9:30, क्योंकि कंटिन्यूसली थोड़ा दिक्कत हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज सारा मैंने ये हम दिए क्या वही मैंने हिंदी की जगह पर उर्दू है, तो उर्दू का क्लास इसलिए हमने दिए हुए हैं कि उर्दू के टीचर हैं, समझे, हम क्लासे दे करके क्या करें, वो हमारी मजबूरी है जो मेरे हाथ में ही नहीं है, हाँ उर्दू का टीचर नहीं, हम क्लास देने इसके मतलब बच्चा को झूठे बरगलाना हो गया है, बिल्कुल, तो उसके जगह पे हिंदी जो पढ़ता है बच्चा तो हिंदी की पढ़ाई करवाते हैं, या बाद में कहते हैं कि उसको मैंने ये हो गया, इसलिए ये चीज़ है। तो आप लोगों को भी मैंने सहयोग करना है हमको, जिसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे कि बच्चा की उपस्थिति कम होती है, गार्जियन को थोड़ा कन्विंस करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आते हैं, घर पर रहते हैं तो गार्जियन को जो रखना चाहिए ना कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पर कितना गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, क्लास में जाते हैं तो इस चीज़ को समझाते हैं कि देखो इतना बड़ा बिल्डिंग है, गवर्नमेंट इतना टीचर को रखे हुए हैं, अभी ट्यूशन पढ़ने के लिए आओगे तो 500 रुपया कम से कम लगेगा, लेकिन विद्यालय में 350 रुपया दोनों पूरे साल का फी जो है 300 रुपया लिया जाता है, कितना कम हुआ, लेकिन एक महीना कोचिंग देता है और 350 रुपया फी है, और साल भर आपको कोई फी आपको नहीं लगेगा, उसी में आपको सारा सेवा है, उसके बाद विद्यालय में हमारे